गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज अलोंग विद एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप की होंगे जो आप कोई भी नवा बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी बंदा नवी शुरुआत करता है अपने बिजनेस वास्ते या कोई कम तोड़ने वास्ते, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहने हैं। जिहड़ा बंदा उसनु करदा उहनू आपां एंटरप्रेनर बोल दिंदे आ। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेनरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। इन इकोनॉमिक्स एंटरप्रेनरशिप कनेक्टेड विद लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सिस एंड कैपिटल कैन जनरेट अ प्रॉफिट। मतलब कि लेबर नाल जुड़िया हुआ या लैंड नाल या नेचुरल रिसोर्सिस नाल जुड़िया हुआ कोई भी अपनी देश की इकोनॉमिक्स दे उपर इफेक्ट पावे उन्हों आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, उन्हें जुड़ी होंगी। द एंटरप्रेन्योर विजन इज डिफाइंड बाय डिस्कवरी एंड रिस्क टेकिंग एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ नेशंस कैपेसिटी। ठीक है जी, ये हमेशा प्रॉफिट बनाने के चक्कर ही किया जाता हों जी। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेनर इज डिफाइंड एज समवन हु हैज़ द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एंड सक्सीड इन अ स्टार्टअप वेंचर अलोंग विद रिस्क एंटाइटल टू इट टू मेक प्रॉफिट्स। मतलब कि वो बंदा जिहड़ा रिस्क लैंदा है पैसा लाउन दा, अपना टाइम इनवैसट करन दा, ते कोई ऐसी चीज़ इस्टैबलिश करन दा कि जो उसनू पैसा भी कमा के देगी ते उसकी सोसाइटी नूं भी हेल्प करूगी, तो कंट्री की इकोनमी इकोनमिक लाइफ नूं भी वधाऊगी। उन्हें आप एंटरप्रेनर बोलेंगे। जिहड़ा बंदा और रिस्क लगेगा उन्हें आप एंटरप्रेनर बोल सकते हैं, जिवें आप पहले दस चुके हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेनरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेनर्स आर ऑफन नोन एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज और इनोवेटर्स एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज इन द मार्केट बाय रिप्लेसिंग ओल्ड विद द न्यू इनवेंशन। जिवें कि पहला अपने को जो चीज़ें है उन्होंने देख के एक नवी कार्ड कढ़नी ते नवा बिजनेस सैटअप करना, उन्होंने आप एंटरप्रेनरशिप बोल सकते हैं। इट कैन बी क्लासीफाइड इन टू स्मॉल और हाउस बिजनेस और टू मल्टीनेशनल कंपनीज। इन इकोनॉमिक प्रॉफिट्स दैट एन एंटरप्रेनर मेक्स इज द कंबीनेशन ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्सिस, लेबर एंड कैपिटल। ये किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, छोटा बिजनेस हो सकता है, वड्डा हो सकता है, घर बह के भी चलाया जा सकता है या उन्होंने वास्ते कंपनीज डिवेलप की जाए उन्होंने भी चलवाया जा सकता। इन इकोनॉमिक्स देश की आर्थिकता जो उन्होंने मुनाफा है वो एंटरप्रेन्योर मेक इस विद कंबीने वो कि कंबीनेशन आता है लैंड न रिसोर्सिस लेबर तो कैपीटल न कैपीटल का मतलब पैसा। ठीक है जी, ये होंगे एंटरप्रेन्योर। हम अगे आ गए जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि होंगे जिमें कहते जी, नॉट ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर सक्सैसफुल, देर आर डेफिनेट करैक्टरिस्टिक्स दैट मेक एंटरप्रेन्योरशिप सक्सैसफुल, अ फ्यू ऑफ दैम आर मेंशन बिलो। कि जिमें आप जानते हैं कि हर एक बिजनेस सफल नहीं होंगे, बहुत ही बिजनेस ऐसे होंगे जो सफल रह जाते हैं। एक सफल बिजनेस करने वास्ते बंद की क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आप हम डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स या पहले एबिलिटी टू टेक रिस्क, उन्होंने रिस्क लेना एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। सेकंड, इनोवेशन, एक ऐसा आइडिया जो पहले वाली चीज़ों तो वक्रा हो गए जिस वे लोग आकर्षित हों, उन्होंने आप बोलेंगे इनोवेशन। विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी, विजनरी उन्होंने देख वो किसी भी चीज़ को किस तरह देखता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए बंदे जो एंटरप्रेन्योरशिप बनता। उदो गए ओपन माइंडेड, ओपन माइंड ओपन माइंडेड होना चाहिए कि वह अपन गलतियां जिमें इतने लिखा जाता बिजनेस एवरी सरकमस्टेंस कैन बी अपॉर्चुनिटी एंड यूज फॉर द बेनीफिट ऑफ द कंपनी। जिमें कि हर एक मौका मौके आपके फायदे वजों यूज करना, उन्होंने आप ओपन माइंडेड बोल सकते हैं। फ्लैक्सीबल, एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लैक्सीबल एंड ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। टू बी ऑन द टॉप डाउन बिजनेस पर्सन शुड बी इक्विप्ड टू एम्ब्रेस चेंज इन द प्रोडक्ट एंड सर्विस। फ्लैक्सीबल का मतलब कि जिमें आप बोलते हैं कि जमाने के नाल बदलना चाहिए, उमें जिमें का जमाना चलता है तो उस तरह एंटरप्रेनर भी बदलना चाहिए, उन्होंने जमाने की लोड अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट नू मोल्ड करना पवेगा
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ PDF, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।